हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और ये वो ग्रह है जहां आज से सालों पहले एलियंस एग्जिस्ट किया करते थे। यस, इनफैक्ट हो सकता है कि आज भी यहां पर एलियंस रह रहे हो, लेकिन तब मैं और अब मैं फर्क बस इतना ही है कि अब ये ग्रह कुछ ऐसा दिखता है। यू गेस्ड इट राइट, ये है हमारा वीनस, शुक्र ग्रह, जो आज लावा से सुलग रहा है। पर इसके बावजूद अभी हाल ही में 2019 में कुछ इंडियन ओरिजिन के इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट को वीनस पर एलियंस के एग्जिस्टेंस का पुख्ता सबूत मिला है, जो उन्होंने पिछले साल 2021 में पूरे दुनिया के सामने रखा। बट दैट वॉज नॉट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। द मोस्ट आयरोनिक पार्ट वॉज कि ये पुख्ता सबूत आज से 42 ईयर्स पहले द ग्रेट ग्रेट नासा के वैज्ञानिकों को भी मिला था। बट आज की तारीख में नासा वीनस पर तो कोई रिसर्च नहीं कर रहा, सो आखिर ऐसा क्यों? क्यों सबूत मिलने के बावजूद नासा ने इसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया? और क्या है ये सबूत जो हमें एलियन से वाकिफ करा सकता है? क्या एलियंस आज भी वीनस पर एग्जिस्ट करते हैं? चलो फ्रेंड्स, जानते हैं ये सारे सवालों के जवाब आज के हमारे इस वंडरफुल वीडियो में, जिसका टाइटल है एलियन लाइफ ऑन वीनस। कहानी शुरू होती है आज से 410 साल पहले। गैलीलियो गैलीलाय नाम के साइंटिस्ट ने आसमान में एक ब्राइट चीज देखी। थोड़ा रिसर्च करने पे पता चला कि ये तो एक ग्रह है, सोलर सिस्टम का दूसरा ग्रह। अब जाहिर सी बात है, एक नया ग्रह मिल गया तो उसी के साथ शुरू हो गया उस पर एलियन लाइफ खोजने की आस। पर सैडली ऑल इन वेन, क्योंकि वीनस एक वोल्केनोस के लावा, हाई कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस से भरा हुआ एक प्लैनेट निकला, विद सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स एज अ टॉपिंग। Now, you guys tell me, क्या ये प्लैनेट किसी हेल से कम है? I mean, अगर जन्नुम को आप इमेजिन करोगे, you know, नर्क को, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा ही ग्रह आएगा, right? So, ऐसी जगह पर कोई लाइफ को इमेजिन करना was next to impossible. I mean, जहां पर लेड मेटल तक पिघल जाता है, वहां इंसान क्या चीज है? लेकिन यहीं पर तो हमारी सोच खत्म हो जाती है ना, यहां से साइंटिस्टों की सोच शुरू होती है। मतलब जिससे अब तक हम इम्पॉसिबल समझते आए हैं, वो बात पॉसिबल है, ऐसा दावा साइंटिस्टों ने किया। 2020 में एक साइंटिस्टों के ग्रुप ने यह दावा किया कि वीनस जो आग से तपता हुआ गोला है, उस ग्रह पर लाइफ पनप रही है, इसके सबूत है। साल 2017 से लेकर 2019 के दौरान कार्डिफ यूनिवर्सिटी, MIT और बाकी कई इंस्टीट्यूशंस के बायोकेमिस्ट्स राकेश मुगुल, संजय लिमये, पराग वैशंप्यान, गाजे गोर्ग स्लोविक और डेविड जी स्मिथ साथ में मिलकर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पर रेडियो टेलीस्कोप द्वारा स्टडी कर रहे थे। बेसिकली रेडियो टेलीस्कोप एक ऐसा टूल है जिससे एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट को अर्थ पर बैठे बैठे ही यूनिवर्स में मौजूद स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, क्लाउड ऑफ गैसेस के स्ट्रक्चर्स, केमिकल कॉम्पोजिशन और मोशन के बारे में जानकारी मिलती है। सो ऐसे ही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के बारे में रिसर्च करते वक्त उन्हें मिला वीनस पर लाइफ के एग्जिस्टेंस का एक सबूत, फॉस्फीन। वेल, वीनस के आउटर एटमोस्फेरिक क्लाउड्स में उन्हें फॉस्फीन के ट्रेसेस मिले, लेकिन आज तक के स्टडी के अनुसार वीनस शुड नॉट बी एबल टू मेक फॉस्फीन विदाउट लाइफ, क्योंकि वहां ऐसे कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं थे जिसके केमिकल रिएक्शन से फॉस्फीन क्रिएट हो सकता है। इसका मतलब फॉस्फीन के क्लाउड्स में कुछ तो गड़बड़ चल रही थी, जिससे आज तक पूरी दुनिया अनजान थी। अब बात यह कि हमारे अर्थ पर जो फॉस्फीन क्रिएट हुआ है, उसके पीछे मेजरली एनारोबिक बैक्टीरिया का हाथ है, मतलब नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें फॉस्फीन क्रिएट होता है एज अ बाय प्रोडक्ट। सो इसका मतलब क्या हुआ? वेल, ऑब्वियसली क्लाउड्स में किसी तो तरह के ऑर्गेनिज्म की वजह से ऐसे बायोटिक माइक्रोबियल प्रोसेसेस हो रहे हैं जिससे फॉस्फीन क्रिएट हो रहा है ना? बट दिस इज नॉट इनफ, सो लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड प्रूफ। जो दूसरा सबूत साइंटिस्टों को मिला वो था कि रिसर्च के दौरान उन्हें पता चला बायोमोलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए जरूरी ऑलमोस्ट 5 एलिमेंट्स, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फॉस्फोरस, वीनस के क्लाउड्स में प्रेजेंट है। और इससे ये भी कहा जा सकता है कि वीनस के क्लाउड्स लाइफ के पनपने को पॉसिबल कर सकते हैं। एंड कपलिंग दैट विद प्रूफ नंबर 1, ये ऑब्जर्वेशन थोड़ा और ज्यादा लेजिट हो गया। और देखते ही देखते 2020 में ही उन्होंने दुनिया के सामने अनाउंसमेंट कर दिया कि वीनस पर माइक्रोबियल लाइफ इवॉल्व हो रही है। बट अब मेन सवाल तो बाकी था, ये लाइफ कैसी थी? इससे उनके दिमाग में ढेर सारे सवाल उठने लगे, और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने उन्होंने कुछ पुराने रिसर्च पेपर्स पढ़ना शुरू कर दिया। और ऐसे ही रिसर्च पेपर्स पढ़ते वक्त उनके हाथ लगा 42 इयर्स पुराना नासा द्वारा लिखा गया एक रिसर्च पेपर, जिसमें यू वोंट बिलीव इट, बट इसी फॉस्फीन के वीनस पर पाए जाने की बात की गई थी।
Well, 1978 में नासा ने वीनस एक्सप्लोरेशन के लिए पायोनियर 13 नाम का एक मल्टी स्पेस प्रोब लॉन्च किया था, जिसमें एक इंस्ट्रूमेंट था, लार्ज प्रोब न्यूट्रल मास स्पेक्ट्रोमीटर और LNMS। इस इंस्ट्रूमेंट का मेन मकसद था वीनस के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट सोलर विंड्स को इन्वेस्टिगेट करना और उसके साथ रेडार इमेजिंग सिस्टम के जरिए प्लैनेट सरफेस को और अपर एटमॉस्फेयर और आयोनोस्फीयर के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना। लेकिन जैसे ही प्रोब वीनस पर लैंड हुआ, चंद मिनटों के अंदर ही किसी तवे पर डाले बटर की तरह पिघल गया, जिसकी वजह से प्रोब सिर्फ थोड़े बहुत एटमॉस्फेरिक सैंपल्स को ही कलेक्ट कर पाया। अब ये कलेक्ट किया हुआ डेटा मास स्पेक्ट्रोमेट्री के जरिए अर्थ पर भेजा गया। और मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होता है? Well, ये बेसिकली एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें केमिकल सब्सटेंसेस के कॉन्स्टिट्यूशन को आइडेंटिफाई किया जाता है बाय मींस ऑफ सेपरेटिंग देयर गैशियस आयन्स अकॉर्डिंग टू देयर डिफरिंग मास एंड चार्ज। So, जब नासा के साइंटिस्ट को फर्स्ट टाइम LNMS का रिजल्ट मिला, तब उन्होंने रिजल्ट में मिले बाकी सभी एलिमेंट्स को डिस्कस किया एक्सेप्ट वही फॉस्फेट बेयरिंग मॉलिक्यूल फॉस्फीन, बिकॉज उनका मानना था कि उनके पास इतने एक्यूरेट डिवाइसेस नहीं थे जिससे वो उस केमिकल मॉलिक्यूल को स्टडी कर सके, और इसीलिए नासा ने 1978 में ही ये रिसर्च बंद कर दिया। लेकिन 2020 में जब राकेश मुगुल और उनकी टीम ने फिर एक बार ओरिजिनल रिसर्च पेपर पढ़ा, तब उन्हें पता चला कि 42 इयर्स पहले मिला हुआ ये मॉलिक्यूल फॉस्फीन ही था। इसका मतलब अगर उन्होंने 1978 में इस स्टडी को परस्यू किया होता तो यूनिवर्स में लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वो बताने वाला नासा पहला इंस्टीट्यूट होता। लेकिन ताजुब की बात तो यह है कि हमेशा नासा को वीनस एक्सप्लोरेशन के मिशन से भागते हुए देखा गया। चलो मान लिया 1978 में उनके पास इतने अच्छे डिवाइसेस नहीं थे, बट व्हाट अबाउट नाउ? अभी तो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया है। स्टिल विद सो मच टू लर्न अबाउट अ प्लैनेट सो क्लोज टू अर्थ, व्हाई देन नासा हैज हॉल्टेड वीनस एक्सप्लोरेशन? वेल, उनके अनुसार इसके पीछे का मेन रीजन है बजट। भरोसा नहीं हो रहा है ना? वेल, ऐसा वो बोलते हैं। उसके साथ ही सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स पर रिसर्च करना इज मच इजियर देन वीनस, ऑब्वियसली उसके हाई टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि इससे वीनस के सरफेस पर ज्यादा समय तक प्रोब टिक ही नहीं पाता। और तो और, जो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोब कलेक्ट करता है वो उतना सफिशिएंट नहीं होता जिससे हम कोई कंक्लूजंस डिराइव कर सके, जिसकी वजह से डिसेंट डेटा कलेक्ट कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और इसका एक और एक रीजन ये भी है कि नासा मार्स पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के एविडेंस ढूंढने में इतना बिजी हो गया है कि उसने वीनस के क्लाउड्स में मिले मॉलिक्यूल्स के ट्रेसेस को लिटरली इग्नोर ही कर दिया है। लेकिन आप सभी ने वो डायलॉग तो सुना ही होगा, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। नासा ने दुर्घटना तो 1978 में ही नजरअंदाज कर दी थी, लेकिन 2020 में मिले एविडेंस के आधार पर नासा ने वीनस एक्सप्लोरेशन के लिए ऑलरेडी दो मिशन प्लान किए हैं, जिसमें से एक है वेरिटास जिसे 2028 में लॉन्च किया जाने वाला है, और दूसरा है डाविंची प्लस जिसे 2021 में लॉन्च किया जाएगा। और सिर्फ नासा ही नहीं बल्कि कई सारे इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट स्पेस एजेंसीज वीनस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर प्लान कर चुके हैं, जैसे कि एनविजन बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी इन 2023, इलेक्ट्रॉन रॉकेट बाय प्राइवेट स्पेस एजेंसी इन 2023, शुक्रयान 1 बाय इंडिया इन 2024 और 2026, और वेनेरा डी बाय रशिया इन 2029। लेकिन मेन बात तो हमने की ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि ऐसे आग से जलते प्लैनेट में लाइफ पॉसिबल हो? Well, इसके पीछे कुछ साइंस तो लग भी रहा है, so well, इसका maybe आंसर छुपा हो सकता है वीनस के अतीत में। अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, वीनस की आज जो हालत है, कई साल पहले वो ऐसा नहीं था। और हाँ, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। उनके अनुसार वीनस पर कई साल पहले वॉटर ओशियंस थे, जस्ट लाइक अर्थ। इनफैक्ट उसे अर्थ की ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है। लेकिन ये सब बदल गया जैसे ही सन का साइज बढ़ने लगा, क्योंकि गुजरते समय के साथ और सन की बढ़ती साइज के साथ वीनस पर मौजूद पानी धीरे धीरे इवेपोरेट हो गया। और क्योंकि वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हीट को ट्रैप करते हैं, सो इसी वजह से वीनस का सरफेस टेम्परेचर रैपिडली इंक्रीज होने लगा। और देखते ही देखते टेम्परेचर इतना इंक्रीज हुआ कि वीनस पर पानी की एक बूंद भी नहीं बची। इनफैक्ट बढ़ते टेम्परेचर के साथ टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से घिसने लगे, जिसके कारण अंदर के लावा में से लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आने लगा। और देखते ही देखते वीनस का पूरा एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस और उसके क्लाउड से भर गया। बट यहीं पर चीजें रुकी नहीं, बढ़ते टेम्परेचर की वजह से डस्ट पार्टिकल्स धीरे धीरे लूज होने लगे और उसमें से भी ट्रैप्ड कार्बन एटमॉस्फेयर में मिक्स हो गया। सो अब इमेजिन करो कितना हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
लेकिन इसके अलावा भी उसमें और कई ग्रीन हाउस गैसेस है जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन। सो टू बेसिकली सम इट अप, वीनस में हाई कॉन्सेंट्रेशन में ग्रीन हाउस गैसेस है, बट द पॉइंट इज कि वीनस का ऐसा कंडीशन पहले से नहीं था। एंड अनदर पॉइंट इज कि आज से करीब 6 मिलियन सालों पहले अर्थ पर फर्स्ट लाइफ ने जन्म लिया और उसके बाद बना अर्थ का फर्स्ट एरा फिल्ड विद लाइफ, द आर्कियन एरा। बट इस पूरे एरा में सिर्फ कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही थे और आज देखो 6 बिलियन साल बाद वी हैव ह्यूज व्हेल्स हु कैन स्विम ऑन वाटर, टॉल जिराफ्स वॉकिंग ऑन द ग्राउंड एंड ह्यूमन बीइंग्स फिगरिंग आउट लाइफ ऑन वीनस। एंड दिस माय फ्रेंड्स इज कॉल्ड एवोल्यूशन। इनफैक्ट अर्थ का एक ऑर्गेनिज्म टार्डिग्रेड तो वो सारे 5 मास एक्सटिंक्शन सर्वाइव करके आज भी जिंदा है। सो मेरा पॉइंट ये है कि हो सकता है उस टाइम पर भी जब वीनस वाकई में अर्थ का ट्विन था वहाँ वेरियस एलियन लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन फिर जैसे जैसे वीनस के कंडीशंस चेंज होते गए वो सारे लाइफ फॉर्म या उनमें से कुछ एडेप्ट होके इवॉल्व हो गए और इतने सक्षम बन गए कि आज भी वो जिंदा है और कुछ विलुप्त हो गए। बट यहाँ पर एक और एक बात सोचने वाली है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर वीनस में एलियन लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है तो वो दिखता कैसे होगा? Well, इस पर एक्चुअली काफी इंटरप्रिटेशंस है, बट हम इस पर सिर्फ एक एजुकेटेड गैस ही लगा सकते हैं बेस्ड ऑन इट्स एनवायरनमेंट। एंड इनफैक्ट साइंटिस्टों ने ये कई सारे प्लेयर्स के साथ कर भी लिया है। डोंट बिलीव मी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करना और वो पूरा वीडियो आप देख सकते हो, मैंने उस पर ऑलरेडी बनाया। लेकिन जाने से पहले एक लास्ट बात, ये जो मैंने बताया आपको कि हाउ लाइफ मे एग्जिस्ट ऑन वीनस क्योंकि अर्थ पर भी एवोल्यूशन हुआ है, सो डू यू थिंक वीनस पर भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा? और मास एक्सटिंक्शन के बाद क्या वहां पर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी के हालत के हिसाब से अडैप्ट होके जी रहे होंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट डाउन बिलो योर ओपिनियन। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को अगर आप आगे भी ऐसे ज्ञान बढ़ाओ वीडियोस देखना चाहते हो। एंड सी यू इन अनदर वन, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।